लॉर्ड बुद्धा, ये नौवे इंकार्नेशन थे भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु के। 24 अवतारों में एक अवतार बुद्ध भगवान है। विष्णु के अवतारों के बारे में 5 पुराणों से जानकारी मिलती है। हरिवंश पुराण में 6 अवतार, नारायणी अख्यान में 10 अवतार, वराह पुराण में 10 अवतार, वायु पुराण में 12 अवतार और भागवत पुराण में 22 अवतार। कुछ लोग विष्णु के 24 अवतार भी बताते हैं, लेकिन 5 पुराणों में से सिर्फ 2 पुराणों में तथागत का जिक्र मिलता है। 5 पुराण में तथागत का जिक्र क्यों नहीं मिलता? तुम्हारे धर्मशास्त्र एकमत नहीं है। तुम लोग ये तय नहीं कर पा रहे हो कि विष्णु के कितने अवतार थे और तुम लोग ये दावा करते हो कि तथागत विष्णु के अवतार थे। पहले ये तो तय कर लो कि विष्णु के कितने अवतार थे। विष्णु के जितने भी अवतार हुए सबने या तो हिंसा की या हिंसा का समर्थन किया, लेकिन तथागत बुद्ध ने ना तो हिंसा की और ना हिंसा का समर्थन किया। फिर कैसे तथागत विष्णु के अवतार हो सकते हैं? कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया कि मैं ही भूत हूं, मैं ही भविष्य और मैं ही वर्तमान, मैं ही सर्वोपरि हूं, लेकिन तथागत कहते हैं कि मैं मुक्तिदाता नहीं मुक्ति मार्गदाता हूं। जो व्यक्ति पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो गया हो, वो व्यक्ति किसी का भी अवतार कैसे हो सकता है?